अरे आ गए आप, मैं भी आ गया आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके लिए कुछ नया बनाने के लिए। चलिए मेरी किचन में आज कुछ नया बनाते हैं। दोस्तों आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप ऑर्डर करते हैं शाही पनीर, मखनी पनीर, लेकिन आप घर में बनाते हैं वो टेस्ट नहीं आ पाता। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ मखनी ग्रेवी, जो मैंने बनाई है आलू के साथ। आप इसको पनीर के साथ भी बना सकते हैं, मिक्स वेज के साथ भी बना सकते हैं, या चांप के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, आप इसको बनाएंगे अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये हमने आपके लिए कैसे बनाई है। ग्रिल्ड मखनी आलू बनाने के लिए यहाँ पे हमने आलू लिए हैं, इनको हमने पहले से बॉयल करके रखा है। मीडियम साइज़ के हमने 8 के करीब आलू लिए हैं, आपको जितने भी बनाने हो आप उसी हिसाब से ले आलू। सबसे पहले हमने इनको कट करना है, इसको हम कट कर लेते हैं, लेंथ वाइज हमने कट करना है। ये आप देखिए ऐसे हम कट कर लेंगे, सारे हम ऐसे तैयार कर लेते हैं, फिर हम इनको ग्रिल करेंगे। ये सारे आलू हमने कट कर लिए हैं, अब हम इनको ग्रिल करते हैं। हमने यहाँ पे ग्रिल पैन लिया है, इसमें हम बटर डालेंगे, बटर को मेल्ट होने देते हैं। जो इसकी हम ग्रेवी बना रहे हैं मखनी ग्रेवी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं, आप घर में इजीली बना सकते हैं। आलू हमने जो कट किए थे वो एक एक करके रखेंगे, ये हम रख देते हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं, टेस्ट वैसा ही आएगा, जो इसकी लुक आएगी एकदम रेस्टोरेंट जैसी आएगी। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल देते हैं, और साथ ही थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये सारे हम तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इसकी जो ग्रेवी बनेगी बहुत ही इजी तरीके से बना रहे हैं और एकदम रेस्टोरेंट जैसी बना रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखते जाएं कैसे हम बना रहे हैं, जैसे ये आलू हो जाते हैं फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आलू हमने सारे ग्रिल करके तैयार कर लिए हैं, आगे हम मखनी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है, ये हम डाल देते हैं। फ्लेम हम ऑन कर देते हैं, फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। जो हम मखनी ग्रेवी ये आपके लिए बना रहे हैं, इसको आप यूज करके मखनी पनीर भी बना सकते हैं, मिक्स वेज भी मखनी बना सकते हैं, या सोया चांप भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। हम आलू के साथ बना रहे हैं क्योंकि आलू सबको बहुत पसंद आता है। ऑयल भी यहाँ गर्म हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्याज लिए हैं, 1 कप के करीब प्याज है, 2 हमने मीडियम साइज के प्याज लिए थे। इनको 5 मिनट हमने बॉयल किया था, बॉयल करने के बाद हमने इसकी पेस्ट बना ली है, ये हम डाल देते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पे 4 टमाटर लिए थे, इनको भी हमने 5 मिनट बॉयल किया, इसका छिलका उतार लिया था, फिर हमने इसकी पेस्ट बना ली है, ये भी डाल देते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, इसको हमने कूट लिया है। और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून देगी मिर्च डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा ग्रेवी में। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, कुटी हुई मिर्च, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिलाएंगे। मिक्स कर देते हैं, 5 मिनट हमने इसको ऐसे ही कुक करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं ये रेसिपी, और जो इसका स्वाद है एकदम रेस्टोरेंट जैसा है। 5 मिनट हम इसको ऐसे ही कुक कर लेते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को कुक होते हुए, अब हमने क्या करना है, इसमें टमाटो केचप डालनी है, 1 टेबलस्पून के करीब हम डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हाफ कप के करीब हमने डाला है, मिक्स कर देते हैं, और फ्लेम इस टाइम पे स्लो कर देंगे।
अब हमने क्या करना है, इसको कवर करना है, कवर करके इसको 10 मिनट कुक करना है। ये हम कवर कर देते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को कवर करके कुक करते हुए, अब खोल के चेक करते हैं। खोलते ही बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मिक्स कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें 2 टेबलस्पून बटर डालना है। मक्खनी ग्रेवी बन रही है, बटर तो जाएगा, मिक्स कर देते हैं। और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून काजू का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास काजू ना हो आप बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास बादाम भी ना हो तो आप मूंगफली का पाउडर डाल लें। मूंगफली को पहले रोस्ट करें, फिर उसके बाद उसका छिलका उतार के उसका पाउडर बना लें। मिक्स कर देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, ज़्यादा नहीं आपने डालनी, 1/2 टीस्पून के करीब ही डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 2 टेबलस्पून इसमें मलाई डालेंगे, दूध से हमने निकाली थी, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया। मिक्स कर देते हैं, कलर आप देखिए ग्रेवी का, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। बस 2 मिनट हम इसको ऐसे ही कुक कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। 2 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को कुक होते हुए, ये ग्रेवी बनके एकदम तैयार हो गई है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। और एक चीज का आपने ध्यान देना है, जब भी आपने सर्व करना है उसी टाइम पे आप कोई भी, आप पनीर भी बना रहे हैं या आलू बना रहे हैं या चांप बना रहे हैं, उसी टाइम ही आप डालें, पहले से डाल के ना रखें ग्रेवी में। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें बताएं ये आपको कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।